गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे ब्लॉग्स नेपाल राइड के आज के इस एपिसोड में अभी हम हैं ऑन द वे टू मुस्तांग। ये जो गांव है इसका नाम है टिपलियांग। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे एडवेंचर करते करते हम पहुंच गए टिपलियांग। रात में हमने थोड़ी सी राइड की थी, वैसे रात में नहीं की थी, शाम में की थी जब हमारी बाइक थोड़ा अलग ही एक्शन दिखा रही थी। तो अभी हम टिपलियांग में हैं और आज हमारा प्लान ये है कि आज हम यहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स जोमसम, जोमसम से कागबेनी। कागबेनी यहाँ से करीब करीब 70-80 किलोमीटर है और जिसको कवर करने में 5-6 घंटे लगेंगे क्योंकि रास्ता सही नहीं है। यहाँ पे हमारा रूम है, चलो आपको एक बार ही दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे सारे सामान, सारे गैजेट्स चार्ज हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। यहाँ पे यासिर भाई सब सारा सामान पैक कर रहे हैं, मैं भी फटाफट पैक करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। यहाँ पर हमारी सारी पैकिंग हो गई है एंड नाउ वी आर गुड टू गो। तो हम जहाँ रुके हुए थे उस होटल का नाम था होटल काली गंडकी रेस्टोरेंट एंड था काली किचन। बाकी यहाँ से कागबेनी है 68 किलोमीटर। तो आज की इस राइड की शुरुआत करते हैं अपने भोलेनाथ, अपने महादेव के नाम के साथ। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, बस महादेव। बाइक फिसलेना कल जो बाइक फिसली थी यार, गजब फिसली थी कल। बस यही करना है कि जहाँ जहाँ स्लश है वहाँ वहाँ एकदम धीरे चलाना है। सुंदर सुंदर नज़ारे दिखने लगे हैं क्योंकि यहाँ पे जस्ट बगल में देखो एक क्या बढ़िया सुंदर सा वाटरफॉल है। एकदम ही ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा भी अगर स्लश हो तो दोनों पैर अगर नीचे नहीं रहे तो बाइक एकदम नागिन डांस करने लगती है। अब मुझे एकदम स्लश से अलग ही डर लग रहा है। पर यार मैं इतने दिनों से इसको स्लश बोलता हूँ। ये बेसिकली स्लश नहीं होता है, ये होता है मर्ड या फिर कीचड़। स्लश होता है जो मिट्टी और बर्फ, जो ब्लैक आइस जिसको कहते हैं, वो जो हो जाता है उसको स्लश कहते हैं। हालांकि कहीं कहीं स्लश इन कीचड़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है, पर पता नहीं मुझे बचपन नहीं, मुझे शुरुआत से आदत है कि इसको स्लश बोलूं। अब कोशिश करूंगा कीचड़ बोलने का। इधर एकदम कटाई छटाई होके एकदम रोड बढ़िया बनाने का पूरा प्लान है भाई। जितना ऑफ रोड था इसमें उसका 50% बचा हुआ है, 50% से थोड़ा कम बचा हुआ है। और मेरे ख्याल से अगर मैं कभी नेक्स्ट टाइम आता हूँ अपर मुस्तांग के लिए तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम पहुँच गए तातो पानी। वेलकम टू नेचुरल हॉट स्प्रिंग। यहीं पे कहीं कुंड है, लोग आके यहाँ बढ़िया मस्त नहा रहे हैं। कितनी सारी चीज़ें खुल गई है यार। ये होटल नेचुरल स्प्रिंग देखो, कितना बड़ा होटल बनाया है इन्होंने, ये सब कुछ नहीं था इधर। कितना प्यारा होटल बनाया है। मुझे लगता है मैंने यहीं पे खाना खाया था थकाली बांछा घर में। छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग तो हालांकि सब ख़त्म ही हो गए हैं क्योंकि अभी
मानसून का टाइम नहीं है तो पानी बहुत कम है। ऑफ रोडिंग भी ख़त्म हो गई है और रोड बनने वाले हैं, बन चुके हैं लगभग लगभग, कुछ कुछ जगह पे बस इस तरह का कंस्ट्रक्शन जो है ये इधर कंस्ट्रक्शन होना है क्योंकि ये थोड़ा लैंडस्लाइड जोन लग रहा है। बाकी मुझे याद है जब मैं पिछली बार आया था तो ये जो नदी थी इतनी मटमैली थी, इसका कलर एकदम डार्क ब्लैक था, डार्क ब्लैक नहीं ग्रेइश ब्लैक, तो ऐसे देख के भी ऐसा लग रहा था हाँ काली गंडकी है ये। अभी तो ये लगभग लगभग साफ है। वो देखो एकदम दूर में क्या प्यारा सा वाटरफॉल है, वो इतने बड़े पहाड़ों के बीच में कितना सुंदर लग रहा है, येलोइश एंड ग्रीन के बीच में एकदम वाइट वाटर। ये पहली या दूसरी चढ़ाई लगी मुझे मुस्तांग की। अब यार ये वीडियो में देखो ऐसा ऐसा ना हो जाए कि मुझे लोगों को लगे कि बस मुस्तांग पसंद नहीं आया, लेकिन वैसे कंपेयर करूँ ना तो मुस्तांग रह गया लद्दाख और मनांग है जांस्कार। जांस्कार से भी टफ है वैसे तो। आया चढ़ाई, मुझे लगा चाचा हट जाएंगे क्योंकि मेरे लिए लेन चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट चाचा हटे नहीं, थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं। धूलन धूल हो गया यार। चलो ये पैच काफ़ी मज़ेदार था, मुझे लगता है रूम से वाटरफॉल है क्या ये। हाँ सो दिस इज़ रूम से वाटरफॉल, ये देखो भाई हाय हाय हाय। और रास्ते भी देखो यहाँ के रूम से के, सो ये है रूम से वाटरफॉल। देखो भाई कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, और अच्छी बात ये है कि रोड ब्लॉक कर दिया है फोटो लेने के लिए। ओ भाई गजब। तो अभी अभी हमने रोड क्रॉस किया, ये थोड़ा सा ऑफ रोड पैच था और यहाँ पे देखो कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक्स है। ये दो BMW है, एक V-Strom 250 है ना, और यहाँ पे इनके राइडर्स हैं। ये सारे लोग हैं कहाँ से? कोलकाता। कोलकाता से। भाई नाम? शुभम गुप्ता। अच्छा नाम आपका शुभम है। अच्छा प्रियजीत। और यहाँ पे हमारे साथ एक और सर है, ये नेपाल से ही है लेकिन ये है इंडियन आर्मी में। यहाँ पे मैम है और हम लोग सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलो भाई ऑल द बेस्ट, अच्छे से, कैसा एक्सपीरियंस, अच्छा रहा आपको? एकदम बहुत बढ़िया। चलो ओके बाय बाय। ओके बाय, टेक केयर।
तो अभी यहाँ से जो और बचा हुआ है वो है 52 किलोमीटर। थोड़ा सा ऑफ रोड और मिलेगा हमें और उसके बाद हम बहुत इजीली पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा ऑफ रोड और बचा है, फिर उसके बाद जो जॉमसम है उसमें पूरा वो ग्रेवल वाला रोड रहता है, एकदम प्लेन रोड और ग्रेवल वाला रोड। पिछली बार यार यहाँ तक आते आते मैं एकदम वैसा हो गया था कि अब जल्दी से ला दो अब जल्दी से कागबेनी पहुँचा दो। तो लास्ट टाइम जब हम ऐसे रात में आ रहे थे तो यहीं पर मुझे रूम मिला था, ये पूरा पैच हमने रात में किया था यार। हाय हाय, ओ यार ऐसे ऐसे रास्ते उस टाइम रात में करके आया था, तभी तो गिर रहा था मैं। जो भी हो यार अब मजा आ रहा है, इतने टाइम से सच बताऊं तो इतना मजा नहीं आया था जितना अब आ रहा है। बस सब बढ़िया रहे, स्लश में ना जाऊं मैं, स्लश में ऐसा गंदा बाइक स्किड होता है, स्लश नहीं मतलब कीचड़, पत्थरों से टकराया बैश प्लेट, बहुत जोर से आवाज आई कट, यहीं पे कहीं गिरा था मैं मुझे लग रहा है। क्या लगता है आज भी नहीं आज नहीं, हाय हाय बस जो आ रहा ना बहुत धूल उड़ाएगा। चलो चलो चलो, चलते चलो चलते चलो, रुकना नहीं है। ये गाड़ी देखो भाई कैसे इंजन मतलब फ्रंट पोर्शन एकदम पीछे वाले पोर्शन से बिल्कुल अलग हो गया था, पता नहीं कैसे, कहीं गिरा कहीं ठुका। ओ भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप खुल गया, क्या बात है, महिंद्रा का सर्विस सेंटर भी, अरे क्या बात है, पेट्रोल पंप खुल गया भाई इधर तो, पेट्रोल का कोई टेंशन ही नहीं अब मुस्तांग करने में। ये शायद घासा है, चेक पोस्ट से जस्ट पहले पेट्रोल पंप खुल गया भाई, ये चेक पोस्ट ही है शायद। तो पहले जहाँ तक मुझे याद है चेक पोस्ट आगे होता था और अब थोड़ा सा पीछे हो गया। ये पहले चेक पोस्ट आगे था ना, नहीं नहीं ये था ना पहले, बाकी तो हो गया। हाँ हाँ पहले ये होता था टूरिस्ट चेक पोस्ट और यहाँ पे दो चार ढाबा वगैरह, दो चार तो नहीं एक ही ढाबा होता था, अब थोड़ा पीछे हो गया और ढाबा दो चार आगे हो गया है। तो यार हमने देखा यहाँ पे चार पांच ढाबा खुला हुआ है, हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा सा एक छोटा सा रेस्ट लेते हैं, वैसे भी 2-2.5 घंटे से हम चले जा रहे थे, हाँ 2.5 घंटे तो हो गए, 12 बजे के आसपास हम निकले थे, 2.5 घंटे हो चुके हैं और यहाँ से जो रिमेनिंग किलोमीटर्स है वो अराउंड 30-35 के आसपास है। हमने सोचा ठीक है यार थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और साथ ही साथ मैंने देखा यहाँ पे थुक्पा मिल रहा है तो हमने सोचा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, वैसे भी इतने दिनों से बस चावल दाल चल रहा है, आज हम थुक्पा खाएंगे। और ये जो आप एकदम साइड में देख रहे हो ये बर्फ़ वाले चोटी, बर्फ़ वाले पहाड़, ये है धौलागिरी। जब आप मनांग के साइड जाओगे तो आपको मिलेगा मानासुलु और इधर मिलता है आपको धौलागिरी।
हाय, ठंडा ठंडा पानी। तो ये है हमारा थुक्पा आ गया है, और इसका कॉस्ट कितना है भैया? 80 रुपया। 100। तो हम खा रहे हैं थुक्पा। हमारा थुक्पा तैयार है, THUKPA। हम थुक्पा खा रहे हैं, इसमें बहुत सारी हेल्दी वेजिटेबल्स हैं। अभी तक राइड कैसी रही आप ये बताएं? राइड तो बहुत बढ़िया रही, जहां हम रात को रुके थे वहाँ से आते हुए आगे काफ़ी डस्टी रोड्स, मडी रोड्स और रफ़ रोड्स मिले हमें, सब कुछ एक साथ। ऐसा नहीं था कि रोड कहीं सही थी, रोड तो काफ़ी ज़बरदस्त। व्हेन कंपेयर्ड टू मनांग, एज कंपेयर्ड टू मनांग इट वाज क्वाइट इजी देन मनांग। जो बंदा यहाँ फर्स्ट टाइम आएगा उसके लिए डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है, हो सकता है। लेकिन जो बंदा यहाँ एक दो साल के बाद आएगा तो वो रोड बन जाएंगे, तब तक तो ये रोड बन गए होंगे। तो यहाँ बढ़िया थुक्पा खा के हम निकल चुके हैं, और यहाँ से देखते हैं यार, आज हम शायद जॉमसम ही जाके रुक जाएं, हम कागबेनी नहीं जाएं। कितने प्यारे खूबसूरत से पहाड़ लग रहे हैं यार, कितने बड़े बड़े वाटर क्रॉसिंग्स हुआ करते थे यहाँ, कुछ भी नहीं रहा। ओह 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 माय गॉड, यहाँ पर रोड बन गया भाई, I cannot believe my eyes। ओ भाई यार, यहाँ पर यहाँ तक रोड ले आए, अरे गजब। पहले रोड शायद उस साइड से था, शायद, नॉट श्योर। तो यहाँ पे यार रोड तो लगभग इधर बन गया है, और कहीं कहीं भी बस कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो मैं एकदम शॉक हो गया मुस्तांग आके, यही वो जगह थे जहाँ पे रोड बनना था और जहाँ पे काम वाम चल रहा था और हमें रोका गया था, हम करीब 5-6 घंटे यहीं पे रुके पड़े थे। मुस्तांग जिला में यहाँ लाई, हार्दिक स्वागत गई छो। ओके यार, लेकिन जो मुस्तांग था तो एकदम बदल गया। ठंड भी काफी बढ़ गई। हाँ ठंड तो काफी बढ़ गई। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये पेड़, एकदम पीले पीले और ग्रीन भी है कुछ, और यहाँ का लैंडस्केप कितना बदल गया है। मुझे यार ये देख के एकदम कारगिल के पहले वाली वैली की याद आ रही है, मतलब कारगिल वैली समझ लो, कारगिल से थोड़ा पहले और द्रास से थोड़ा मतलब आगे है, सेम वैसा ही लग रहा है। हालांकि यहाँ पर थोड़े ज़्यादा ही पेड़ हैं, तो सेम ऐसा ही लग रहा है। तो अंतिम में क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर बचा है कागबेनी, अंतिम में थोड़ा सा ऑफ रोड मिला। अब ये वाले ग्लव्स में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि इसका ग्रिप नहीं बना पड़ा है अभी तक। मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा सा ही बचा होगा, नहीं ये है थोड़ा ज़्यादा। अब जो पहाड़ आगे दिखने वाले हैं उसमें प्लांटेशन बहुत ही कम होगी, और वो पूरा एकदम रेन शैडो एरिया में आता है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। जैसे यहाँ भी आप देखो धीरे धीरे सारे पहाड़ों पे जो प्लांटेशन वो कम होती जा रही है, पहाड़ गंजे हो रहे हैं। उधर तो बिल्कुल ही लद्दाख वाले वाइब्स हैं, एकदम लद्दाख जैसा ब्यूटी आपको दिखेगा। और इसी रास्ते पे अगर आप 3-4 घंटे 5 घंटे और चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे लोमानथांग। लोमानथांग इज़ द प्लेस जहां से चाइना बॉर्डर बिल्कुल पास है, बहुत ज़्यादा ही पास है, मतलब मार्फा। हम पहुंच चुके हैं मार्फा विलेज,
मार्फा में एप्पल प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है, मार्फा इसलिए भी फेमस है नेपाल में। मेरे ख्याल से ये सब जो पेड़ है ना, ये इधर वाले, ये शायद एप्पल प्लांटेशन के लिए एप्पल ट्रीज ही हैं। ये जो पूरा ट्रीज आप देख रहे हो, ये पूरे एप्पल ट्रीज हैं नेपाल के। ये मार्फा का एप्पल गार्डन है। वहाँ आप देखो पहाड़ों के ऐसे बीच में एक गोम्पा है, और ये जस्ट पीछे है मार्फा विलेज। एक यहाँ पे भी मुझे याद है हुआ करता था पोस्ट, चेक पोस्ट। मैंने बोला था कि हम लोग ट्रैक तो करेंगे नहीं, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है, पर इन्होंने बोला नहीं, टेम्स बनाना पड़ेगा। ये पहले चेक होता था बेनी के बाद, अब कुछ नहीं होता वहाँ पे चेक। कोविड के बाद हो रहा था, हट गया है इसलिए। अगर ये नहीं बनाते तो अभी चलता काम, चलता है। तो फिर तो सर फालतू में पैसे लगे ना। ये एक बार ऊपर भी तो होता है ना चेक, नहीं, नहीं। पहले तो होता था, इसको बनाने की जरूरत नहीं था, फालतू में बनवा लिया मेरे से। 6-12 सौ रुपए ले लिए, 2 टाइम का खाना। ट्रैकर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैकिंग कर ही नहीं रहे, जबरदस्ती बनवा लिया। दाई मिलेगा रूम? मिलेगा। कितने पैसे में मिलेगा? कैसे मेरे पैर में अटैच नॉन अटैच मिलेगा 1500 में। अरे दाई 1500, दाई थोड़ा कम करो, कितना कम करो, थोड़ा आप थोड़ा कम करो, थोड़ा 1500 तो बहुत ज़्यादा है। किधर है रूम, नीचे ऊपर है? तो आज हमने स्टे ले लिया है जोमसोम में। वैसे हम चाहते तो काकबेनी भी जा सकते थे, लेकिन काकबेनी कल चले जाएंगे, आज जोमसोम का वेदर एंजॉय कर लेते हैं। काकबेनी में बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगा, यहाँ पे -2 तक जा रहा है, और काकबेनी में नहीं कुछ तो भाई एकदम मुझे लगता है -6 -7 गूगल बता रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा यहीं स्टे लेते हैं। और आज का जो स्टे है काफ़ी प्यारा है, नया नया बना हुआ है, ये देखो आप हमारे पीछे, एक बड़ा बेड, एक छोटा बेड, और ये रहा इनका वॉशरूम। वॉशरूम भी बहुत अच्छा है देखो। तो यहाँ पर अभी टेम्परेचर हो रहा है -2 और -3 हो गया शायद, हाँ -3, और हम यहाँ पर आए हुए खाना खाने के लिए। ये गरम गरम पानी बस यही, और थोड़ी देर पहले हमने चाय भी पिया था, ऐसे ही गरम गरम चाय। हाय हाय, तो फटाफट खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, और कोई काम नहीं है भाई इधर। तो गाइस बढ़िया खाना वाना खा के आ गए हम अपने बेड पे, और अभी ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम फटाफट अभी सो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आज फटाफट सोना है ताकि कल हम जल्दी उठकर मुक्तिनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और फेसबुक पर हमें पहली बार देख रहे हो तो फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं गाइस बहुत जल्द नेपाल राइड के नेक्स्ट एडवेंचरस एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय। यासिर भाई को भी ठंड लग रही है।